आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। क्लास टेंथ का लेसन 7 नियंत्रण एवं समन्वय करके जो अध्याय है, इसको आज हम देखेंगे कि जीव अपने शरीर का नियंत्रण कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे होता है। इस लेसन का नाम ही है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, देखिए यहाँ सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, गर्मी, सर्द या जो भी पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार सभी जीव अपने आप से अनुक्रिया करके कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और खुद पे कंट्रोल करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, इसको उद्दीपन कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श और ये जो कारक हैं इनको हम उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक और होने वाली जो अनुक्रिया होती है वो उद्दीपन कहलाती है। पौधे एवं जंतु अलग-अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब चूंकि जंतु जो हैं, यहाँ देखेंगे हम जंतु और वनस्पति या पौधे, पौधों के अंदर किसी तरह की तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती, तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है, इस अतः ये रासायनिक रूप से नियंत्रण और समन्वय करते हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जिसके सहायता से ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करते हैं, आई मीन नियंत्रण और समन्वय करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है? जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो तरीकों, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की वजह से होता है। हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। पहला जो तंत्रिका तंत्र है उसके भी कई भाग हैं, उसको देखें तो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरी होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दो घटक हैं इसके, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। एक है आपका मस्तिष्क आई मीन ब्रेन और दूसरा मेरु रज्जु, जिसे हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, स्पाइनल कार्ड कहते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। परिधि में क्या आता है? परिधि जो तंत्रिका तंत्र होती है इसके तहत पूरे शरीर में फैले हुए जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो आते हैं। कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक के द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेशों के द्वारा विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। और ये विद्युत आवेश किस प्रकार से होते हैं? ये भी एक्चुअल में रासायनिक ही होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इसके आयन होते हैं, इसी रूप में ये रासायनिक आयनों के रूप में ही होते हैं, अतः इन्हें हम विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरे होते हैं, ये तो हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं को ले जाने वाले। अब इन सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ग्राही जिनको हम कहते हैं, ग्राही तंत्रिका तंत्र कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। कुछ विशेष प्रकार के ऐसे सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कान है, कोई साउंड वेव पड़ेगी तो वो उसको सुनेगा और वो विद्युतीय रूप में, विद्युत आवेश के रूप में मस्तिष्क तक उन सभी सूचनाओं को पहुंचाएगा और मस्तिष्क उनसे उन चीजों को सुन करके और फिर विद्युत आवेश के रूप में ही ग्राही अंगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाएगा। कान से जब हम सुनते हैं तो बॉडी में क्या चीजें आती हैं? शरीर का संतुलन बनाते हैं हम। आँखों से इलेक्ट्रिक जो लाइट लाइट होती हैं और प्रकाश का जो अवशोषण होता है,
इससे हम चीजों को देख सकते हैं, और देखने के बाद अगर कोई ऐसी चीज देखा हमने तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, ब्रेन को जानकारी मिलेगी, हमारा मस्तिष्क फिर इनको देखने के बाद दूसरे अंगों को हमें क्या करना है वो अपनी सूचनाएं, मस्तिष्क जो है अगली क्रिया के लिए जो सूचना होती है वो उन अंगों तक विद्युत आवेशों के रूप में भेज देता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा ज्ञानेंद्री है वो है त्वचा, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग। ये क्या करता है? टेम्परेचर को ग्रहण करता है, गर्म और ठंडा महसूस करता है, और स्पर्श को महसूस करवाने का कार्य करता है। नाक है, नाक से हम किसी चीज के गंध का पता करते हैं जिसको घ्राण ग्राही कहते हैं। जीभ है, ये स्वाद का पता करता है जिसको रस संवेदी ग्राही कहते हैं। अगला है तंत्रिका यूरान, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। यह तंत्रिका तंत्र की संरचना है, इसमें आप देख रहे हैं ये इसका अंतिम सिरा है और ये इसका मुख्य सिरा है। बीच में कुछ तंत्रिकाक्ष लगे हुए हैं, तीन मुख्य भागों में बटा हुआ है ये। एक मध्य में केंद्रक है और इसके छोटे छोटे द्रुमिकाएं जो जाल की तरह से फैले होते हैं, ये इनकी संरचना है। इसके मुख्य तीन भाग हैं। ठीक है, तीनों भागों को देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका का जो मुख्य भाग है द्रुमिका, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी जो संरचनाएं हैं ये सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, इनको हम द्रुमिका कहते हैं। फिर है कोशिका काय, जो शरीर है उसका प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेश के रूप में यही आगे लेकर जाती है। फिर है तंत्रिकाक्ष, जो बीच वाला भाग है इसका, यहाँ तंत्रिकाक्ष आपको दिख रहा है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक ले जाता है। एक सिरे से ग्रहण करेगा, अगर इस सिरे से ग्रहण किया यहाँ से फिर दूसरे सिरे में, और जो फिर दूसरा न्यूरॉन होगा वो यहाँ पे लगा होगा पहले से, तो यहाँ बीच में कुछ गैप होता है, फिर भी वो विद्युत आवेश एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अपनी सूचनाओं को पहुंचा देते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतर्ग्रथन क्या होती है या सिनेप्स क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच का जो खाली जगह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहते हैं। यहां देखेंगे शब्दों में, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। मतलब एक कोशिका शुरू हुई जहाँ वो खत्म हुई, दूसरे सिरे दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो मुख न्यूक्लियस होगा, यहाँ तंत्रिकाक्ष होंगे और इसका जो पूंछ होगा, इनके बीच की जो ये खाली जगह होगी यही सिनेप्स कहलाती है। दो कोशिकाओं के, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे आप किसी चीज को देख के अचानक से कूद पड़े, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, तेज या अचानक हुए परिवर्तनों को हम अनुवर्ती अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जो अचानक हो रही हो। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तुरंत पीछे हटा लेना। दूसरा, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उन्हें प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे उद्दीपन में क्या मिला हमें? उष्मा मिली। यहां से समझेंगे हम, उद्दीपन में क्या मिला हमें? उष्मा मिला, और ये किस कहाँ से मिलेगा? त्वचा से। और ये सूचनाओं को कहाँ भेजेगा? हमारे मेरुरज्जु को। यहाँ ब्रेन का कोई काम नहीं होता, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। मेरुरज्जु से ही सूचनाओं को कार्यकारी अंग तक भेज दिया जाता है और तुरंत अनुक्रिया करके हम जो है कि अपने बचाव के लिए हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो ये जो पथ है जिसके थ्रू इन सूचनाओं को भेजा जा रहा है यही प्रतिवर्ती चाप है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान सूचनाओं का आदान प्रदान जिस पथ के द्वारा किया जाता है प्रतिवर्ती चाप कहलाएगा। ठीक है, अब अनुक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? अनुक्रियाएं तीन प्रकार की हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती।
ऐच्छिक क्रियाएं क्या हैं? बोलना, लिखना, ये क्या हैं? सभी जो चीजें आप अपने मन के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, वो सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये सभी अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित की जाती हैं। जैसे श्वसन और दिल का धड़कना, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट को नहीं रोक सकते, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले मूवमेंट्स को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सभी अपने आप से हो रही हैं और इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया है जो अचानक से हमारे शरीर में होती है, जो कि इसका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। गर्म वस्तु छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना है, या पैर के नीचे अचानक से सांप आ जाए तो आप डर डर के मारे कूद पड़ते हैं, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की हमारे शरीर में, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता? कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु को छूने छूने पर, या पैनी वस्तु के चुभ जाने पर, या कोई पैनी वस्तु हमारे शरीर में चुभ जाए, ऐसी क्रिया होने पर तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। और इसे यह जो अनुवर्ती क्रिया होती है वो मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो बहुत ही अति शीघ्र होती है, क्योंकि उस समय ब्रेन को सोचने समझने का टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमारे बॉडी में प्रतिवर्ती क्रिया का होना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसी स्थिति आई कि ब्रेन सोचेगा फिर डिसीजन लेगा, तब तक तो कुछ बॉडी में इंजरीज हो जाएंगी। तो इसके लिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। अच्छा, मानव का जो तंत्रिका तंत्र है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैंने पहले भी बताया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग हैं, एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स हैं, और दूसरा मेरु तंत्रिका जो होती है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, जो मेरुरज्जु है, उससे निकलने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जैसे एज वेल एज मैं आपको बताऊं कि ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कार्ड हो गई। तो कुछ ऐसे नर्व सेल हैं जो सीधे ब्रेन से निकलते हैं और बॉडी में वर्क करते हैं, कुछ ऐसे नर्व हैं जो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं और बॉडी में वर्क करते हैं। तो जो ब्रेन से निकल रही हैं वो कपाल तंत्रिका कहलाएंगी, और जो रीढ़ की हड्डी से निकल रही हैं वो मेरु तंत्रिका कहलाएंगी। और ये जो ब्रेन है बीच वाला, और ये स्पाइनल कार्ड जो है, ये कहाँ आएगा? हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होगा। ठीक है, मानव मस्तिष्क के भाग, चूंकि हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो मस्तिष्क के तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मुख्य मुख्य चीजों को याद करेंगे, ये आपका शॉर्ट नोट है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या नोट्स में आप सीधे इसको लिख भी सकते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का आगे का भाग है, सबसे जटिल व विशिष्ट भाग है, यह प्रमस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसका कार्य क्या है? मस्तिष्क में जो भी सोचने वाला काम होता है, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना, सूचनाओं को याद रखना, या शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना, तालमेल बिठाना, भूख से संबंधित जो केंद्र होता है, ये सभी अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। दूसरा भाग क्या है? मिडिल ब्रेन या मिड ब्रेन। अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो मध्य मस्तिष्क में होता है। पुतली के आकार में परिवर्तन, आंखों के बीच जो पुतली होती है उसका, सिर व गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे आपकी आंख पे अचानक कोई चीज आ रही हो, आप तुरंत आंख बंद कर लेते हैं, ये अपने आप होता है, जो अनैच्छिक क्रिया है। ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अगला जो मस्तिष्क का भाग है, या पश्च मस्तिष्क जिसे कहते हैं, इसके भी तीन भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। अनुमस्तिष्क से क्या क्या क्रियाएं होती हैं? शरीर की संस्थिति या संतुलन को बनाना, शरीर का बैलेंस जो बनाने का काम होता है वो अनुमस्तिष्क में होता है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, ऐच्छिक क्रियाओं को धीरे धीरे जो है कंट्रोल करने और उनको और अच्छे तरीके से कर पाने का जो कार्य है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। जैसे पेन उठाना, छोटा बच्चा जो होता है
उसका अनुमस्तिष्क इतना डेवलप नहीं होता या इतना विकसित नहीं होता, तो वो चीज़ों को पकड़ता है और वो चीज़ें उसके हाथ से छूट जाती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका अनुमस्तिष्क विकसित हो जाता है, तो वो चीज़ों को सटीकता से पकड़ सकता है और वो सामने से आ रहे बॉल को भी पकड़ लेता है। मेडुला जो है अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन, पाचन या शरीर में परिवहन, ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण हो रहा है वो आपके नियंत्रण में थोड़ी हो रहा है, वो भी क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, उसका नियंत्रण भी कौन करेगा, मेडुला करेगा। और तीसरा जो भाग है वो पॉन्स है, जो अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करता है। पॉन्स में क्या होता है, श्वसन का नियंत्रण होगा। खोपड़ी का ये जो भाग है या मस्तिष्क का जो भाग है, इसमें देखें तो ये वाला भाग आपका अग्र मस्तिष्क है, यहाँ सोचने, समझने, याद करने, ये सभी क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ये आपका ऊपर वाला जो भाग है ये प्रमस्तिष्क का भाग है। प्रमस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और प्रतिवर्ती क्रियाओं का, ये सभी प्रमस्तिष्क के भाग थे। यहाँ बीच में ये जो आपका है, ये जो है मध्य मस्तिष्क को, मध्य मस्तिष्क है, और इसी मध्य मस्तिष्क में ही मध्य मस्तिष्क के बाद जो पश्चिम मस्तिष्क है उसमें यहाँ देखिए पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये तीनों दिए गए हैं, और यहीं से हमारा मेरुरज्जु भी बाहर निकला हुआ है। यहाँ एक रंध्र होता है जो महारंध्र होता है, इसी महारंध्र से मेरुरज्जु बाहर निकलता है। इसी में हाइपोथैलेमस, पीयूष, और पीयूष को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस, ये दोनों ग्रंथियां भी इसी के अंदर मध्य मस्तिष्क में ही स्थित हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा क्या है, मस्तिष्क जो है वो हड्डियों के बॉक्स में बंद होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे के अंदर होता है, एक लिक्विड से भरा हुआ गुब्बारा होता है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, इसके अंदर मस्तिष्क पूरी तरह से बंद रहता है जिससे कोई नुकसान उसको नहीं होता। दूसरा जो मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु जो है वो रीढ़ की हड्डियों के बीच खाली स्थान से होकर गुजरता है। जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, गोल गोल सी संरचना में जो हड्डियां होती हैं रीढ़ की, इनके बीच से जो है कि मेरुरज्जु, पतली पतली धागे जैसी संरचनाएं जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डियों के बीच से होके गुजरती हैं, जिससे अगर चोट भी लगेगा तो इन हड्डियों पे लगेगा, न कि इस मेरुरज्जु पे लगेगा, ठीक है। तो ये भी सुरक्षित होते हैं। और ब्रेन तो क्या होता है, कपाल भित्ति के अंदर होता है और लिक्विड के एक गुब्बारे में बंद होता है, तो ये भी सुरक्षित रहता है। तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच समन्वय कैसे होता है, क्योंकि तंत्रिका उत्तक निर्देश देंगी या सूचनाओं को ग्रहण करेंगी और पेशी उत्तकों को फिर क्रिया के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो उद्दीपन को ग्रहण करती हैं, वहां से ये संवेदी तंत्रिकाओं को अपनी सूचना कहाँ पहुँचा, संवेदी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो संवेगों को कहाँ पहुँचाती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास भेजती हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, या तो हमारा ब्रेन है, या तो ब्रेन के पास भेजेंगी, या तो स्पाइनल कार्ड के या रीढ़ की हड्डी के पास भेजेंगी, मेरुरज्जु को भेजेंगी, तो वहां से सूचनाओं को समझ करके और पेशी उत्तकों को, प्रोटीन को पुनः ये व्यवस्थित करती हैं और पेशी उत्तकों को सूचनाएं भेज दी जाती हैं, और ये पेशी उत्तक में संकुचन करके अनुक्रिया कर दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, अगर ये जो सूचनाएं हैं, स्किन पे जब आपको चोट लगेगा, चेहरे पे जब आपको चोट लगेगी, तो वो सूचना किसको मिलेगी, ब्रेन को मिलेगी। ब्रेन को आएगा गुस्सा, फिर गुस्से में वो आपके आर्म्स जो हैं, आपके जो भुजाएं हैं, भुजाओं को सूचना देगी कि आप भी उसको, जिसने आपको मारा है, चाटा मारा है, आप अपनी पेशियों की सहायता से उसको या तो चाटा मारो, एक सूचना ये मिल सकती है। अब ये ब्रेन, अगर दूसरी सूचना ये भी मिल सकती है कि भाई मार रहा है, तो ये सूचना मिलेगी पैरों को कि वहाँ से जल्दी भागो,
ठीक है, तो ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे कंडीशन में वो आपको कौन से निर्देश देगा और किन पेशियों को देगा। अगर हाथ की पेशियों को देगा तो आप दोबारा उससे लड़ सकते हो, अगर आपके पैर को ऐसी सूचनाएं मिली, आप स्थितियों को जैसे आपके संवेग मिलेंगे जैसी सूचनाएं ब्रेन को मिलेंगी। अगर मोटा तगड़ा आदमी दिख रहा सामने तो सूचना ब्रेन किसको देगा, पैरों को, कि वहां से भाग निकलो। अगर हाथों को ऐसी सूचना मिल, कोई कमजोर व्यक्ति होगा तो आपके हाथों को सूचना दे देगा कि भाई तुम इससे जीत सकते हो, एक चाटा तुम भी मार लो। तो ऐसी सूचनाएं मिलेंगी और उसी के अनुसार हमारे पेशियों में क्रियान्वयन होगा। अब ये सूचनाएं सभी विद्युत आवेश के द्वारा दी जाती हैं। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या हैं, कहाँ कहाँ ये काम कर सकती हैं और कितना इनकी एबिलिटी है। पहला देखें, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जहां तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है। पूरे हमारे पूरे शरीर में, मानव शरीर में नाखून और बाल, ये दो ऐसे अंग हैं जहां तंत्रिका कोशिका की पहुंच नहीं होती, अतः इनमें दर्द भी नहीं होता या हमें इससे कोई अनुभव नहीं मिलता। बाल को काट दीजिए ना, जो अननेसेसरी जो नेल्स होते हैं, जो बड़े हुए नाखून होते हैं, उनको आप कट करिए तो आपको किसी तरह का संवेग नहीं मिलेगा, कुछ महसूस नहीं होगा। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए थोड़ा सा समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। कंटिन्यूअस जो है कि आवेश उत्पन्न नहीं किए जा सकते। एक बार सूचना भेजेगी, फिर थोड़ा उसको टाइम लगेगा, नया आवेश बनाने में टाइम लगेगा। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है, तो ये तो पौधों के लिए, पौधों की तो बात ही अलग है, उनके अंदर तो रासायनिक सूचना प्रणाली होती है। तो ये विद्युत आवेश या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या हैं। पहला चीज कि विद्युत संवेग केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगा जहां तंत्रिका कोशिकाएं होंगी। दूसरा कि इनको बार बार लगातार जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब पौधों में जो रासायनिक संचरण पाया जाता है, रासायनिक संचरण क्या होता है, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। रासायनिक संचरण क्या है, हमारे शरीर में हार्मोन्स, हार्मोन क्या है, रासायनिक संचरण का काम करते हैं। और मानव में तो रासायनिक संचरण और तंत्रिका तंत्र दोनों है, पौधों में जो समन्वय होगा वो सिर्फ रासायनिक संचरण से ही होगा। तो पौधों में जो गति होती है, पौधों में गति, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, और वृद्धि पर निर्भर गति, जो वृद्धि पे ही निर्भर होना। पौधों में गतियां ही कहाँ होती हैं, पौधों में तो गति बहुत ही नाम मात्र की होती है, ठीक है। और इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन या समन्वय का जो कार्य होता है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिलता। पौधों में बहुत कम ही अनुक्रियाएं होती हैं। उद्दीपन के लिए जो तत्काल अनुक्रिया होती है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुँचाते हैं। कोशिका के अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर ये गति उत्पन्न करते हैं या कोशिका को फुला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, जैसे छुई मुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना। छुई मुई क्या करेगा, अपने अंदर से पानी पानी कम ज्यादा करके अपनी पत्तियों को सिकोड़ सकता है और फैला सकता है, ठीक है। तो ये उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया इसी तरह से करते हैं। फिर है वृद्धि के कारण जो गति होती है, तो वृद्धि जब होगी तो प्रतान बनेंगे। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। अच्छा, दूसरी चीज, पौधे में जो वृद्धि होती है वो उसके या तो ऊपरी भाग से, यहाँ अगर ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपरी भाग का जो अंतिम सिरा होता है, वृद्धि वहीं से होती है। अब पौधों में, जड़ों में अगर देखें तो जो मूलांकुर होते हैं, सबसे निचला हिस्सा जो जड़ का होता है, वृद्धि वहां से होती है, ठीक है। तो दो ही भाग से वृद्धि होती है पौधों में। यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, प्रतान का वह भाग, तने का सबसे ऊपरी भाग, वहीं से वृद्धि होगी और बहुत ही तेजी के साथ वहां से गति करेगा, जिससे प्रतान वस्तु के चारों ओर लिपट करके ऊपर चढ़ सकता है। पौधों के अंदर प्रकाशानुवर्तन की क्रिया पाई जाती है, ये हमेशा प्रकाश की तरफ ही गति करते हैं।
गुरुत्वानुवर्तन जो पाया जाता है, तो जो पौधे का जो तना होता है वो प्रकाशानुवर्ती होता है, हमेशा प्रकाश की ओर जाएगा, और जो पौधे की जड़ होती है वो गुरुत्वानुवर्तन की क्रिया करती है और हमेशा पृथ्वी की तरफ या अंदर की तरफ जाने का प्रयास करती है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाने का। पृथ्वी के अंदर ही गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा ना, तो जड़ हमेशा क्या है, पृथ्वी के अंदर जाने की कोशिश करेगी और तना हमेशा ऊपर जाने का प्रयास करेगा। रसायनानुवर्तन क्या है, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, और जो रसायनानुवर्ती है पौधों के अंदर जो पुष्प होते हैं इनके अंदर पराग नली बनती है, और ये पराग नली हमेशा कहाँ जाती है, अंडाशय में ही जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये रासायनिक रूप से यही अनुक्रिया दर्शाते हैं। दूसरा है जलानुवर्ती, पानी की तरफ जड़ों की गति जलानुवर्तन कहलाती है। जलानुवर्तन क्या है, पौधे की जो जड़ होगी जहाँ भूमि के अंदर पानी की मात्रा उसको मिलेगी, जड़ कहाँ विकसित होगा, उस जल के स्रोत की तरफ ही विकसित होगा। अगला क्या जो अनुक्रिया है वो पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन क्या है, ये वो रसायन है जो पौधे के वृद्धि विकास या अनुक्रिया का जो अनुक्रिया है उसको प्रकट करवाते हैं। इनमें पादप हार्मोन में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका यहाँ वर्णन किया गया है। मुख्य पादप हार्मोन में पहला है ऑक्सिन, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, आई मीन पौधों में ग्रोथ करवाता है, जब कोशिकाएं बढ़ेंगी तो पौधा बढ़ेगा, तो पौधे की लंबाई तेजी से बढ़ेगी, और प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। ये ऑक्सिन का कार्य है, ये किसका कार्य है, ऑक्सिन का। दूसरा है जिबरलिन, जिबरलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है, आई मीन प्रजनन जल्दी जल्दी करवाएगा, फल व बीज में बीज अधिक मात्रा में बनेगा, ठीक है। एस्बिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि संदमक है, आई मीन ग्रोथ को रोकता है या पौधे की विकास को रोकता है, तो एस्बिसिक अम्ल ऐसे पौधों पे डाला जा सकता है जिनकी वृद्धि को हमें रोकना है। पत्तियों को मुरझाने के लिए ये वर्क करता है, इसको हम तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ये पौधे को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। जंतुओं में और कौन कौन से हार्मोन्स या उनका रोल क्या है, जंतुओं में हार्मोन जो हैं ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं विकास वृद्धि का समन्वय करते हैं। अब ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, अतः इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो शरीर में अपने हार्मोन्स को ऐसे ही स्रावित कर देती हैं, अतः इन्हें बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आगे हम जिक्र करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की और उनके कार्यों की। पहली जो ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन है, जो हमारे गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गर्दन में, इसको हम अवटु ग्रंथि कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है इससे, इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व वसा का पाचन करना। दूसरा वृद्धि हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और यह कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में। इसका कार्य क्या है, वृद्धि व विकास का नियंत्रण करना। एड्रिनलिन जो होता है इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है एड्रिनलिन, ये किडनी के ऊपर आपने देखा होगा ऐसी किडनी की जो संरचना होती है सेम के बीज के आकार की, इसके ऊपर हल्का सा ऐसे एक ग्रंथि पाई जाती है, इसी को हम अधिवृक्क कहते हैं, वृक्क के ऊपर पाई जाती है और इसी को हम अधिवृक्क कहते हैं, और यहीं से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन, जो क्या कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण या आपातकाल जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे आप अंधेरे में डर गए, या भागना हो, लड़ाई करनी हो, अचानक से कोई आपके शरीर में अनुक्रिया प्रदर्शित हो रही हो, तो ये एड्रिनलिन हार्मोन इसको नियंत्रित करता है। अगला हार्मोन जो है वो है आपका इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से निकलता है, उदर के नीचे अग्नाशय जो ग्रंथि है वो पाई जाती है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण किससे होता है, इंसुलिन से होता है।
अगला जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरान और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरान हमेशा नर में पाया जाता है, एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है, मादा में। टेस्टोस्टेरान वृषण में और एस्ट्रोजन अंडाशय में। पेट के निचले हिस्से में ये दोनों जो वृषण और अंडाशय हैं, ये दोनों जो ग्रंथियां हैं, ये पेट के निचले हिस्से में या पेड़ू के भाग में पाए जाते हैं। यौवनारंभ में ये जो शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं या परिपक्वता को विकसित करने में सहायक होते हैं। अच्छा, ये जो अवटु ग्रंथि है या जो थायराइड ग्रंथि है, इसका कार्य क्या है और इसमें वृद्धि कैसे होती है, अवटु रोग कैसे होता है, इसको देखेंगे। आयोडीन युक्त नमक सभी के लिए आवश्यक क्यों है? अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन नहीं मिला, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। जब जब देखो आयोडीन नहीं मिलेगी, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का सही पाचन नहीं होगा और शरीर की संतुलन वृद्धि नहीं होगी। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गॉइटर बीमारी कहते हैं। अगर आयोडीन नहीं मिला तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, और थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो गला फूल करके क्या हो जाएगा, घेघा रोग या गॉइटर रोग हो जाएगा। गॉइटर को ही घेघा रोग कहते हैं। अगला जो है मधुमेह बीमारी क्या है? मधुमेह या डायबिटीज, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। होता क्या है, कारण क्या है इसका? अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावण कम होता है, और इंसुलिन के न बनने से जो शरीर में शुगर की मात्रा होती है, शर्करा की मात्रा होती है, उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चूंकि इंसुलिन कम बनेगा तो शुगर का पाचन कम होगा, शुगर शरीर में बच जाएगा, जो बचा हुआ शुगर होगा तो वो शर्करा का स्तर धीरे धीरे बढ़ाएगा, और एट लास्ट जाकर क्या होगा, वो डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा, या डायबिटीज नाम की बीमारी उस व्यक्ति को हो जाएगी। निदान क्या है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं, ठीक है, या शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है, कम शुगर को इनपुट करके। शुगर खाना कम कर दें, जब इंसुलिन कम बन रहा शुगर भी कम खाइए। दूसरा, पुनर्भरण की क्रियाविधि है। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना, इंसुलिन हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। जैसे उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि मैं बताता हूँ आगे। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ी, अग्नाशय द्वारा इसको सूचना मिला, इसने क्या कर दिया, इंसुलिन का श्रावण किया, रक्त शर्करा की मात्रा घट गई और अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का बनना बंद हो गया। अब अग्नाशय द्वारा सूचना मिली तो बंद करो या पुनर्भरण भोजन बंद करो, ये क्या बोलेगा, खाना खाना बंद कर दो, क्योंकि रक्त की मात्रा कम हो रही है। यहाँ दोनों चीज़ें होंगी, बंद करो और पुनर्भरण को भेजना। जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो खाना खाना आप मतलब शर्करा लेना बंद कर देंगे। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो फिर सूचना जाएगी कि भोजन की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये पूरे जो आपका ये लेसन था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, संनियंत्रण और समन्वय, इसके जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, जो आपके नोट्स थे, उसको हमने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर बताइएगा, जिसे हम अगले वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जल्द ही आएगा अगले लेसन से, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।